एक्सप्रेस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को कुचला, विवाहिता ने फांसी लगा कर दी जान, इस बार नहीं चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रेट नाग रोड पर अज्ञात वाहन चालक ने साइकिल सवार को उड़ा दिया। जख्मी साइकिल सवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक गृहलक्ष्मी नगर भांडेवाड़ी निवासी रमेश श्रीराम सोनटक्के बताया गया। रमेश मंगलवार की रात 9:30 के दौरान अपना काम निपटा कर साइकिल पर घर जा रहे थे। ग्रेट नाग रोड पर भोला गणेश चौक से जगनाड़े चौक की ओर जाते समय अज्ञात वाहन चालक ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को दी। बुरी तरह जख्मी रमेश को उपचार के लिए पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया। दूसरी खबर, एमआईडीसी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने घर में फांसी लगा ली। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक वाना डोंगरी निवासी सीमा अमोल बोबड़े बताई गई है। सीमा के पति अमोल एमआईडीसी की एक कंपनी में लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। मंगलवार की सुबह सीमा ने अपने घर में सीलिंग फैन से ओढ़नी बांधकर फांसी लगा ली। 8:30 के दौरान परिजनों ने फंदे पर लटके देखा। तुरंत सीमा को फंदे से नीचे उतारा गया और पास के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। बुधवार के दोपहर 12:00 के दौरान सीमा ने दम तोड़ दिया। एमआईडीसी थाने के PSI लाकड़े अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। घरेलू कारण होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तीसरी खबर, इस बार धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर रेलवे द्वारा भाविकों के लिए कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है। इसकी वजह धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आयोजन समिति द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते समारोह को साधारण तरीके से मनाना बताया जा रहा है। ज्ञात हो कि हर वर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर दीक्षा भूमि में नमन करने देश भर से हजारों भाविक यहां पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी ने अन्य त्योहारों की तरह इस समारोह के आयोजन में अड़ंगे डाले हैं। वर्तमान में संक्रमण पर नियंत्रण को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि शायद धम्म चक्र प्रवर्तन दिन समारोह आयोजित हो जाए, लेकिन आयोजन समिति ने साधारण समारोह में सीमित लोगों के दर्शन की तैयारी की। स्पेशल ट्रेनों के बारे में मध्य रेलवे नागपुर मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक SG राव ने कहा कि हमें समिति की ओर से सूचित किया गया है कि इस बार धम्म चक्र प्रवर्तन दिन समारोह बेहद साधारण तरीके से मनाया जाएगा। कोरोना के चलते लोगों को भीड़ से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ऐसे में अन्य शहरों से आने वाले भाविकों की संख्या काफी कम रहेगी। यही वजह है कि इस बार रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।